गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको तो मालूम होगा आज हमारी कौन सी क्लास है हिंदी की। ओपन योर हिंदी बुक, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। हमने चैप्टर नंबर 2 नटखट बंदर रीड कर लिया है और मैंने आपको समझा भी दिया है और उसका खंड का मैंने मौखिक सब कुछ बता दिया। सही उत्तर पर सही का निशान। आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? आज मैं आपको लिखित प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। मजदूर कहाँ पर काम करते थे, है ना, इसका मैं आज आपको आंसर बताऊंगी, का से लेके अंगा तक का। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने कॉपी में सब लिखा और लर्न किया? कॉपी में आप लोगों को लिखना है आंसर क्वेश्चन और लर्न भी करना है। मैं किसी दिन भी आपसे पूछ सकती हूँ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नों के उत्तर। मजदूर कहाँ काम करते थे, मैं अभी आपको मौखिक ओरली बता दे रही हूँ, इसके बाद रिटर्न में क्लास वर्क में आपको भेज दूंगी। मजदूर कहाँ काम करते थे बच्चों? मजदूर गांव के पास हरे भरे पेड़ के नीचे काम करते थे। नटखट ने मन ही मन क्या सोचा? नटखट ने मन ही मन सोचा कि जो चिर चा की आवाज है उसको मैं भी निकालूं। नटखट से आरी क्यों नहीं हिल पाई, सोचिए। आप लोग सबने स्टोरी पढ़ा है ना, बताइए नटखट से आरी क्यों नहीं हिल पाई? नटखट से आरी इसलिए नहीं हिल पाई क्योंकि आरी को आगे पीछे करना होता है और नटखट क्या कर रहा था? खुद ही आगे पीछे हो रहा था, इसलिए नटखट से आरी नहीं हिल पाई। नटखट की माँ नटखट से क्या बोली? जो नटखट बंदर था उसकी माँ नटखट से क्या बोली? नटखट की माँ नटखट से बोली कि बेटा हमेशा मस्ती नहीं की जाती, दूसरे की नकल नहीं उतारना चाहिए। दूसरों की नकल उतारना बुरी बात होती है ना, आपको भी मना किया जाता है ना, दूसरे की नकल नहीं उतारना चाहिए, है ना। नटखट ने अपने हाथों की तरफ देखकर क्या सोचा? नटखट अपने हाथ की तरफ देखा और सोचा कि माँ सही कह रही है, अगर आरी गलती से भी लगेगी तो मेरा हाथ कट सकता है। आज इन्हीं आंसर क्वेश्चन को आपको मैं लिखकर क्लास वर्क में दे दूंगी, है ना। बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2 नटखट बंदर और चैप्टर नंबर 1 जागो प्यारे कंप्लीट हुआ। कल हम एक्टिविटी करेंगे, ओके। कल आप लोगों की एक्टिविटी होगी, उसमें मैं आपको एक्टिविटी करके बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ओके। बच्चों आप लोग कॉपी वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे, मैं कॉपी भी देखूंगी, आप अपना लिख करके मुझे सेंड करेंगे और आंसर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, शब्द ज्ञान, ये सब आप लोगों को लर्न भी होना चाहिए। आप सब लर्न भी करेंगे, ओके बाय।